हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। आई थिंक कोई 5-6 दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। और पता नहीं क्यों नहीं मुझसे बनाए जा रहे थे व्लॉग, मतलब शायद मौसम भी चेंज हो रहा है और तबीयत लेज़ी थी। ख़राब तो नहीं कहूँगी, लेज़ी ज़रूर कहूँगी, लेज़ी काफ़ी तबीयत हो रही थी। पर खैर, मैंने सोचा चलो अब आज तो व्लॉग बनाएं, बहुत दिन हो गए व्लॉग नहीं बनाया और मुझे आज थोड़ी सी मुश्किल हो रही है क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को देखती हूँ स्क्रीन में। और अब मेरी बहन ने मुझे कहा है कि तुम स्क्रीन में मत देखा करो अपने आप को, तुम कैमरे में देखा करो। सो मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं इधर उधर हो रही हूँ तो प्लीज़ एडजस्ट करेगा। ओके, अभी मैं अमार और अपने लिए चाय बना रही हूँ। और यस, मेरा कि आजकल चीज़ बंद हो गई है, मेरा को हम एक डॉक्टर के पास लेके गए थे और मेरा को से इतना डर लग गया है कि मेरा ने चीज़ भी छोड़ दी है ना। मेरा अच्छी अच्छी बन गई है पर कभी कभी चीज़ चल जाती है। तो आज हम थोड़ा सा अपने खाने को चेंज करने लगे हैं। जितने भी हमारे लेफ्ट ओवर रखे हुए हैं हम उन सबको मिक्स करके कोई एक डिश बनाएंगे। सो लेट्स सी वो क्या बनती है। वैसे तो बाजी मुझे बता के गई है मुझे क्या क्या डालना है, सो उसी तरीके से बनाऊँगी। आजकल मैं हमजा को एक नई चीज़ दे रही हूँ, दूध रस। और इस तरह से ना मैंने अपनी मामी को बनाते हुए देखा था। मेरी मामी ना, मेरे मामू का जो छोटा बेटा है उसको ना इस तरह से दूध रस बना के उसको पका के देती थी। तो शौक से तो नहीं खाता था खैर वो मामी उसे बड़ा डांट डपट के खिलाती थी, लेकिन मुझे याद है मामी उसको इस तरह से खिलाती थी। इसको पूरा मैश कर दूँगी अब और थोड़ा सा इसको पकाऊँगी कि थोड़ा सा गर्म भी हो जाए, ठंडा ना ही रहूँ तो बेहतर है। तो ये बड़े मज़े का लगता है, मैंने खुद भी वाइट ली है तो मज़े का होता है। अच्छा, वैसे यूजली मैं हमजा को इस टाइम पे बनाना मैश करके देती हूँ, बट आजकल हमजा को थोड़ा सा रेशा हुआ है, थोड़ा नहीं काफ़ी हुआ था, शुक्र अब कम हो गया, तो इसलिए मैं इसको बनाना नहीं दे रही। और जिसका शाम का टाइम होता है स्नैक का, मैं उस टाइम पर इसे ये दूध रस दे रही हूँ। इतने शौक से खा नहीं रहा लेकिन खिला देती हूँ मैं फिर भी। अच्छा जी, हमारे पास ये दो लेफ्ट ओवर सालन है जिनमें से एक हमारे पास चिकन का कोरमा और एक हमारे पास गोश्त का पता नहीं क्या सालन था, मैं भूल गई, पर इन दोनों को हम यूज़ करेंगे और इसके साथ हम इस दाल को मिलाएंगे। तो पहले मैं इन दोनों को और इसको धो के डाल लेती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ कि मैं और क्या ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये दोनों हमने सालन गर्म कर लिए, इसके अंदर हम ये दाल डाल लेंगे। जी हमजा, यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज की प्याज और दो मीडियम टमाटर लेके इन्हें काट लिया था, ये डाल देंगे। और थोड़ा सा हम इसके अंदर लहसुन डाल देंगे क्योंकि हमारे सालन भी हैं इसलिए हम ज़्यादा नमक मिर्च नहीं डालेंगे। नमक मैं फिलहाल आधा चमचा ही डाल रही हूँ, बाकी जब पक जाएगी तो टेस्ट होगी मज़ीद ऐड करूँगी। और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। अच्छा, आधा चमचा मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और आधा चमचा ही मैं कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड करूँगी। बस ये हम मसाले इसमें ऐड करेंगे और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी की इसमें थोड़ी सी मिनट और है, पानी भी ऐड कर देते हैं। और इसको अब हम तकरीबन 15 से 20 मिनट का प्रेशर लगा देते हैं। हमजा को मैंने खिला दिया था खाना और फिर मैं खाना बनाने आ गई थी। अब मैं मिर्चा के लिए बना रही हूँ फ्राई। अच्छा जी, 20 मिनट बाद हमने प्रेशर खोला है तो इसकी ये कंडीशन आ गई है और दाल भी गल चुकी है। बस अब हम इसका पानी ड्राई करते हैं और फिर इसको घोट लेंगे। ओके, इस स्टेज पे
पे आके अब हम दाल को अच्छी तरह घोटेंगे। अच्छा, मुझे इसमें नमक थोड़ा कम लग रहा था तो इसमें मैंने नमक डाला है, और थोड़ा सा मैं गरम मसाला डालूंगी और ज़ीरा पाउडर ऐड करूंगी। चावल भी हमारे रेडी हो गए थे, और इसके बाद मैंने खाना खाया था लेस के साथ। मैंने अपने दाल चावल खाए थे और साथ में मैंने बिग बॉस लगा लिया था। बस खाना वाना खा के हम फारिग हुए हैं, फिर मानूर आ गई थी, फिर बच्चे मानूर के साथ खेलना शुरू हो गए थे। तो ये था जी आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।